हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा चल रहा है। उस बोर्ड परीक्षा में आने वाले दिनों में इंग्लिश का पेपर होने वाला है। सबसे बड़ी समस्या ये बच्चों के सामने ये होती है कि वो अंग्रेज़ी पढ़ना जानते ही नहीं हैं। अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं जानते हैं तो कैसे लिखेंगे। इसलिए सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही है कि वो पेपर अपना पढ़ ही नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक, आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। आपको पढ़ने नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। केवल ये ट्रिक अपनाइए, ये तरीका अपनाइए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो दो सेक्शन में आएगा। कितने सेक्शन में आएगा? दो सेक्शन में आएगा, ए और बी, ए और बी। अब देखिए ए सेक्शन में क्या होगा, ए सेक्शन में आपके बिल्कुल केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। कौन से प्रश्न होंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ जिनकी हिंदी होती है वो प्रश्न रहेंगे, वो 20 प्रश्न रहेंगे। और उसमें देखिए दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पहला तो ये है कि सीधे वो दे देगा, एक कोई लाइन दे दिया उसके अंदर कि क्या सही है क्या नहीं। और दूसरा इस तरीके से देगा कि एक कोई पैसेज दे देगा, पैराग्राफ दे देगा, उस पैराग्राफ में से आपको दो तीन प्रश्नों के उन्हीं में से उत्तर छांटना है। तो आप घबराइएगा भी नहीं, आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सही लगेगा जो शब्द मिलेंगे उसी के अनुसार पर आप लगा दीजिएगा। हम आपको जो 50 नंबर का जो लिखित वाला है उसको हम बताने चल रहे हैं, उसी के आधार पर आप कैसे आप करेंगे और आप कैसे नंबर पा जाएंगे। अब देखिए जैसे मेरे सामने यहाँ एक पुराना पेपर है, उस पेपर के आधार पर हम आपको बताने चल रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसी के आधार पर आपको इसमें से उत्तर लिखना है। मतलब ये है कि आप ये पैसेज पढ़िए और इन पैसेज से पढ़ करके आप इसी में से उत्तर लिखिए कि कहाँ से कौन हमारा उत्तर है। तो कोई बात नहीं है, आप पेपर पढ़ना जानते ही नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप अच्छा नंबर पाएंगे। देखिए इसमें दिया है, अब ये प्रश्न है, इस पैसेज का ये प्रश्न है, वो प्रश्न है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द वर्ड बिकम फ्रेंड्स। बस इतना प्रश्न है। अब आप इसमें देखिए समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां पर क्या है। अब यहां पर आप कुछ ध्यान से देखिएगा, जैसे डॉग है, फ्रेंड्स हैं, अब ये दोनों शब्द आप यहाँ पर खोजिए कि कहाँ पर डॉग है और कहाँ पर फ्रेंड है। ये डॉग और फ्रेंड्स जहाँ से आपको रिलेटिव मिल जाए उसको तत्काल आप बढ़िया से सेक्शन डालिए। क्या करेंगे? सेक्शन डालिए मोटे अक्षरों में, आपको बी सेक्शन में बता रहा हूँ, बी सेक्शन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप डालिए और क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए तीसरा है तो तीसरे का ए, अब तीसरे का ए आप लिखना शुरू करिए। अब आपको नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक है तो देखिए हमने यहाँ पर डॉग शब्द पाया, क्या पाया? डॉग पाया। अब फ्रेंड हमारा कहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमारा फ्रेंड शब्द है। अब आप क्या करेंगे, आप यहीं से शुरू से लिखना और यहाँ फ्रेंड्स तक लिखते चले जाइए इत्मीतान से। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। हम पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप इसको पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक फ्रेंड्स तक तो आप लिखिएगा, आपका ये आंसर बिल्कुल सही जाएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है और आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आप दूसरा प्रश्न है उसको, दूसरे प्रश्न को भी आप यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर आपका है कहाँ पर नहीं है। अब देखिए व्हाट हैपेंड टू द वर्ड वन डे। अब इसमें दो प्रश्न बन गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ पर हैपेंड टू देखिए कहीं पर मिलेगा और वहीं से अपना आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो आप इसमें कहीं देखिए आपको मिलेगा पेपर में ज़रूर, और जहाँ पर आपको मिलेगा वहीं से आपको लिखना शुरू करते हैं। चलिए भाई ये नहीं मिला, अब वर्ड वन द डे,
अब इसको खोज लीजिए वर्ड वन डा डे, तो उसके आधार पर आप लिखना शुरू करें। वो भी अगर जो आप नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप जहाँ पुल स्टॉप हो वहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए। और आप जब यहाँ तक लिखेंगे तो आपका ये भी प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उससे मिलता जुलता रहेगा। फिर तीसरा उसी प्रकार से लिखिए, चौथा लिखिए, और इस प्रकार से आप लिखते चले जाइए। अब आपका अगला प्रश्न आ जाता है, ले राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, इनवाइट हिम टू अटेंडेंट योर ब्रदर्स मैरिज। अब आपको अपने फ्रेंड के पास, मित्र के पास एक लेटर लिखना है कि अपने भाई के शादी में उसको बुलाने के लिए। अब आपको वो भी लिखने का ढंग नहीं है, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, पेपर में आपकी अंग्रेजी ही अंग्रेजी लिखा हुआ है, और जब अंग्रेजी ही इंग्लिश में ही लिखा है तो फिर आप कहीं से उठा लीजिए। और उसके बाद आप इसमें भी फ्रेंड शब्द आए हैं, इसमें भी हैं, आप एक तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए और आधे से ज़्यादा आप लिख करके जहाँ पुल स्टॉप लगा हो वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। ये आपके उत्तर हो जाएंगे और इससे आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, तो इस आप पैराग्राफ ऑन माई टाउन ऑफ सिटी। अब आपको अपने सिटी के ऊपर 60 शब्दों में आंसर देना है। अब इसको भी नहीं पता है तो आप देखिए, नाम दिया है तो आप अपने शहर का नाम लिख दीजिए, जो भी है इतना तो पता ही होगा आपको, अपने शहर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उस वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपने शहर का नाम लिखिए, अपने गाँव का नाम लिखिए, अपना पूरा पता लिखिए, उसके बाद 20 से उठा करके वहाँ डाल दीजिए, आपका ये काम ओके हो जाएगा। और 6 नंबर का प्रश्न है, आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप चलते आइए। फिर देखिए आपको यहाँ पर दे रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इनका उत्तर देना है। क्या देना है, द गंगा इज ए हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि गंगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो गंगा हॉली, हॉली का मतलब होता है पवित्र, गंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, पवित्र के लिए, तो आप हॉली पर लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को आप पढ़िएंगे, पढ़ने के बाद आपको जहां लगे दा सही है कि न्यू सही है, जो भी लगे उसमें आप टिक लगाते चले जाइएगा, और इस प्रकार से आपके ये प्रश्न होते जाएंगे। अब आप थोड़ा सा जो घबराते हैं वो आप हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले अनुवाद में घबराते हैं, बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको इसीलिए सबसे ज़्यादा फोर्स सी पर करूँगा। ये 5 नंबर का प्रश्न है भैया, और 5 नंबर के प्रश्न में आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप उसको क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, अब आपको अंग्रेजी किसी चीज़ का नहीं पता है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराइए मत, आप या तो इसी पैराग्राफ से उठा लीजिए या फिर आपका दूसरा पैसेज होगा वहाँ से भी आप उठा लेंगे, और जैसे वहाँ से उठाएंगे उसके बाद आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में है, आप यहाँ से उठा करके सीधे 10 11 लाइन में लिख दीजिए, पूरा का पूरा पैसेज लिख दीजिए, बढ़िया से लिखिएगा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और बढ़िया से लिखेंगे तो आपको तत्काल मिल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फिर आपका पैसेज आएगा, उसी पैसेज में से फिर आपको क्वेश्चन दिए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के आपको उत्तर निकालना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तत्काल उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ करके उसी में से, जहाँ मैंने बताया कि जहाँ से आपको लगे वहीं से आई वाज से लगा करके जहाँ तक आपका पुल स्टॉप हो वहाँ तक आप लिख देंगे, आपका वो सही हो जाएगा। बस इतना लिख दीजिए, आपका काम ख़त्म, आपने बढ़िया किया है। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको कुछ 60 वर्ड में प्रश्न के उत्तर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत, आप नहीं जान रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइन आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आप हटा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल मत रखिए, और किसी पैराग्राफ से आप 2 लाइन जोड़ करके यहाँ पर 3 लाइन जोड़ कर लिख दीजिए, यानी कि आधे पेज आप लिख देंगे तो 60 वर्ड आपके हो जाएंगे, और 60 वर्ड हो जाएंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। फिर इसी क्वेश्चन में करना है, आप यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह मत डालिएगा, यहाँ से लिखना शुरू करिए, फिर किसी पैराग्राफ से उठा करके आप
सात आठ लाइन लिखिए, आपका काम हो जाएगा। फिर से जो 25 वर्ड वाले रहेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क तक लिखिए और क्वेश्चन मार्क के लिखने के बाद फिर चार पांच लाइन कहीं से उठा करके आप लिख दीजिए। इस प्रकार से आप लिखेंगे आपका काम सही हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी की पढ़ाने वाले कापी चेक करने वाले केवल आँख मूंद कर कापी चेक करते हैं भैया, उनको राइटिंग देखनी होती है, उनको वर्ड सही होना चाहिए। अगर जो वर्ड सही नहीं है तो आपका नंबर कटेगा, इसलिए वर्ड बिल्कुल सही रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मैच करना है, मिलाना है, आप इसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पहले का तीसरा मिला दो, तीसरे का पहला मिला दो, उसके बाद बीच वाला मिला दो, कहानी खत्म। इसी प्रकार से आपको देखिए, फिर आपको ये पोएम दिया गया है, इस पोएम से आपके प्रश्न हैं, उस प्रश्न को आपको मैंने बताया था कि आप ये लाइन यहाँ से लिखना शुरू करिए और उसके बाद कोई एक लाइन उठा करके लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। आपको नंबर से मतलब है, अपनी विद्वता नहीं दिखानी है, इंटेलिजेंटपना नहीं दिखाना है, आप केवल लिखिए आपका काम हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए, आपको एक पोएम याद करके रखना चाहिए ताकि वो हम पेपर में बड़े आसानी से लिख सकें। और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दिए गए हैं, 25 वर्ड में लिखना है, आप पूरा पहले क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन उतारे के बाद फिर कोई पैराग्राफ में से कोई लाइन उठा करके लिख देंगे, ऐसे करके हुए पूरा आप पेपर सॉल्व कर देंगे और अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है। बशर्ते स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वर्ड आपके सही होने चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, लिखावट आपकी सुंदर होनी चाहिए, लाजवाब होना चाहिए। और इसी पेपर से आप जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर इसी में से निकाल करके आप लिख दीजिए। ओके।